प्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आज है शुक्रवार और आज बारी है हिंदी पढ़ने की। क्या आप सब तैयार हो आज की हिंदी की क्लास के लिए? तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी स्वर अ से अह, व्यंजन क से अड़, च से इया को चित्रों के द्वारा पढ़ना और पहचानना। इसके अलावा हम दो अक्षर के शब्दों को भी पढ़ना सीखेंगे। फिर मैं आपको अ से अह लिखने का अभ्यास करवाऊंगी। फिर बारी है आती है हमारी कविता की, जो है चूहे की बारात। वो भी हम एक्शन के साथ उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो बच्चों, हमारी आज की हिंदी की क्लास शुरू करते हैं। बच्चों अब बारी है हमारी हिंदी की रीडिंग करने की। जल्दी से आप अपनी हिंदी आओ पढ़ो स्वर और व्यंजन वाली बुक को लेके आओ और उसका पेज नंबर 3 ओपन करो। चलो अब हम जल्दी से स्वर पढ़ते हैं। स्वर तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं और अब आपको ये पहचानने भी आ गए होंगे, फिर भी प्रैक्टिस जरूरी है। चलो ये है अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह। अ से लेके अह, ये क्या है? स्वर। अब इसके बाद जो अक्षर आते हैं वो है व्यंजन। क, ख, ग, घ, अड़। हमने अभी तक क, ख, ग, घ, अड़ पढ़ा था। आज मैं आपको सेकेंड लाइन पढ़नी सिखाती हूँ व्यंजन की, जो है च, छ, ज, झ, इया। तो आज हमने ये दूसरी लाइन पढ़नी भी सीखी। अब चलो हम चित्रों के साथ पढ़ते हैं और हम पेज नंबर 22 निकालते हैं। देखो आप 22 और व्यंजन का पहला अक्षर है क। क से कलम। पेन को हम क्या बोलते हैं? कलम। हिंदी में होता है कलम। और ये क्या है? कमल, सुंदर सा फूल, हमारा राष्ट्रीय फूल, ये है कमल। और ये है कछुआ, जो पानी में भी रहता है और धरती पर भी रहता है। क से कछुआ। क से कबूतर, गुटर गु करता है कबूतर। क से कटोरी। कटोरी में हम क्या खाते हैं? दाल, सब्जी, है ना। और ये है कलश। क से कलश, जिसमें हम पानी भर के रखते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? क। क के बाद आता है बच्चों ख। ख से खटिया। ये देखो, ये चारपाई है, इसको कहते हैं खटिया। गांव में लोग इसको ही यूज करते हैं। और खटिया में क्या रहता है? खटमल। ये एक छोटा सा कीड़ा है जो कि खटिया में रहता है। और फिर ये खून चूसता है, जैसे मच्छर होता है वैसे ही ये खटमल होता है। ये बहुत शैतान है। ख से खटखटाना। जब हम घर पे किसी के जाते हैं तो नॉक करते हैं ना, अगर बेल नहीं बजती है तो ख से खटखटाना। ख से खरगोश, प्यारा सा जानवर, ख से खरगोश। और ख से खरबूजा। खरबूजा क्या होता है? एक तरह का फल होता है। ख से खरबूजा। अब हम पेज को टर्न करते हैं और अब आया अगला अक्षर, जो है ग। ख के बाद आता है ग। साफ साफ बोलेंगे ग, मेरे साथ बोलो आप। ग से गज। हाथी का दूसरा नाम गज भी होता है। ग से गज, इसकी लंबी सी सूंड है। ग से गज। और गज को क्या पसंद है? गन्ना। ग से गन्ना। और ग से क्या होता है? ग से गधा, दुनिया का सबसे मेहनती जानवर। ग से गधा। और ग से गाय, जिससे हमें मिलता है दूध। ग से गाय। और ग से गाजर, जिससे बनता है गाजर का हलवा। ग से गाजर। तो देखा आपने, ग है बहुत काम का। और ग से गमला, जिसमें हम फूल लगाते हैं। ग से गमला। ग के बाद बच्चों आता है घ। क्या है ये? घ। घ से घटा। घटा मतलब बादल, जिनसे बारिश होती है। घ से घटा। घ से घड़ा। ये आंटी जो हैं, ये पानी भरने गई तो उन्हें कौन मिला रास्ते में? घड़ियाल, जिसको देखकर आंटी घबरा गई। तो घ से घबराना। घ से घड़ियाल, घ से घबराना, घ से घड़ा। और घ से घर। पानी भर के कहाँ जाएंगी? घर में जाएंगी। और घ से घड़ी। घड़ी हमें समय बताती है। घ से घड़ी।
घ के बाद आता है अड़। अड़ है खाली, बच्चों बजाओ ताली। अड़ से कुछ नहीं होता है, अड़ होता है खाली, तो बच्चों ने बजाई ताली। बच्चों व्यंजन की पहली लाइन क से लेके अड़ तक तो हमने चित्रों के साथ पढ़ ली, अब दूसरी लाइन की बारी आती है जो है च। देखो आप, च, च से चाचा, च से चाची, च से चम्मच, च से चटनी, च से चटाई। चाचा चाची चटाई के ऊपर बैठ के चम्मच से चटनी खा रहे हैं। च से चटाई, च से चाबी, और च से और क्या होता है, चप्पल। कितनी सारी चीजें होती हैं च से, है ना। देखो अब आप, च हमने पढ़ लिया, अब च के बाद आता है छ। क्या है अगला अक्षर, छ। छ से छतरी, छ से छड़ी, दादाजी की छड़ी। छ से छत, दादाजी छत पे टहल रहे हैं छड़ी को पकड़ के। छ से छड़ी, छ से छत, और कौन है यहाँ पे, देखो, छ से छिपकली और छ से छलनी। मम्मी चाय बनाती है तो किसे छानती है, छलनी से, तो छ से छलनी। बच्चों अब हम आगे चलते हैं और पेज को टर्न करते हैं। छ के बाद आता है ज। क्या आया, ज, इसे बोलते हैं ज, इस अक्षर को। ज से जामुन, ज से जिराफ, और क्या होता है ज से, ज से जंगल। जिराफ कहाँ रहता है, जंगल में। ज से जहाज, ज से जल, और ज से जग। जल मतलब पानी, है ना, और पानी किस में हम रखते हैं, जग में। ज से जग, ज से जल, और पानी में ही कौन तैरता है, जहाज, ज से जहाज। ज के बाद अगला अक्षर है झ। आप भी बोलो झ, बिल्कुल साफ साफ बोलना है। झ, झ से झंडा, झ से झूला। देखो झूला झूलना सबको बहुत पसंद होता है। झ से झूला, और झ से झरना, और झ से झाड़ू। सफाई करते हैं तो झाड़ू का इस्तेमाल होता है ना, झ से झाड़ू। फिर से पढ़ते हैं, झ से झंडा, झ से झूला, झ से झरना, और झ से झाड़ू। इसके बाद आता है, ये है इया। इया है खाली, बच्चों अब बजाओ ताली। तो आज हमने च से लेके इया तक भी पढ़ना सीखा है। बच्चों आपकी हिंदी की जो बुक है उसकी मदद से आपको इन अक्षरों को पढ़ना सीखना है। बच्चों अब बारी आती है अ से अह को लिखने का अभ्यास करने की। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखो बोर्ड की तरफ कैसे लिखना है। ये है आज की डेट, आज है 16th October, और अब हम लिखना शुरू करते हैं। पहले लिखेंगे अ, और ये बोल बोल के लिखना है। अ, अ से अनार, आ, आ से आम। अब आएगा छोटी ई, छोटी से इमली। इसके बाद है बड़ी ई, बड़ी से ईक। फिर है छोटा ऊ, छोटा ऊ से उल्लू। छोटा ऊ के बाद आता है बड़ा ऊ, बड़ा ऊ से ऊन। फिर बारी आती है री। अब आपको री लिखना है, री से ऋषि, इस तरह से। इसके बाद है ए, ए से एक तारा। फिर है आई, आई से आईना। फिर है ओ, अब क्या आएगा, ओ, ओ से ओखली, और ओ ऐसे लिखना है। ओ के बाद आता है औ, औ से औरत, औ से औषधि। औ के बाद है अंग, अंग से अंगूर। और इसके बाद आता है अह, अह खाली, बच्चों बजाओ ताली। तो बच्चों इस तरह से आपको अ से अह लिखना है। आपने इसको पढ़ना और पहचानना तो सीख लिया है, ठीक है। तो अब मैं आपको आपकी नोटबुक में लिख के बताती हूँ आपको कैसे लिखना है। तो अब बारी है अ से अह को नोटबुक में लिखने की, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना काम। सबसे पहले हमको लिखनी है आज की डेट। देखो आप इस तरह से, सबसे पहले आपको डेट लिखना है। डेट लिखना बहुत ज़रूरी है, और आज की डेट है
16th October 2020। इस तरह से डेट लिखने के बाद काम करना शुरू करना है। अब हम लिखना शुरू करेंगे। देखो आप फर्स्ट लाइन में हमने क्या लिखा है, टाइटल लिखा है कि अ से अ लिखना है और हमको आज ये फर्स्ट 7 लाइन में ही काम करना है। समझ में आया, पूरा पेज नहीं लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। आप पहले लिखा अ, अ से अनार, अ के बाद आता है आ, आ से आम, फिर है छोटी ई से इमली, फिर बारी है बड़ी ई, उसके बाद आता है छोटा ऊ, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ लिखने के बाद हमें लिखना है री, री से ऋषि, फिर है ए, आई, अब बारी है ओ, ओ से ओखली, ओ के बाद लिखेंगे औ, औ से औरत, औ के बाद अंग, अंग से अंगूर, और अब है अह, अह है खाली, बच्चों बजाओ ताली। हमने एक बार लिखा, अब हम एक बार और लिखेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे आपको ये उतने अच्छे से आ जाएगा। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, आई, ओ, औ, अब बारी है अंग, और अंग के बाद है अह खाली। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको अ से अ लिखना है इस पेज में, और इसकी फोटो लेनी है और मुझे भेजनी है। बच्चों अब बारी है कविता का अभ्यास करने की, और कविता का नाम है चूहे की बारात। आपने देखा ये, तो चलो आप भी मेरे साथ बोलो। मैंने आपको इसका एक्शन तो बताया है ना, अब आपको एक्शन करना है और मेरे साथ बोलना है। तो स्टार्ट करते हैं। चूहे की आई बारात, मिले बाराती केवल साथ, भालू ढम ढम ढोल बजाता, चूहे का मन खुश हो जाता। फिर से बोलते हैं, चूहे की आई बारात, मिले बाराती केवल साथ, भालू ढम ढम ढोल बजाता, चूहे का मन खुश हो जाता। बच्चों इस तरह से आपको कविता बोलनी है, इसका अभ्यास करना है, इसका वीडियो बनाना है और मुझे भेजना है। मैं आपसे आपकी अगली क्लास में मिलती हूँ। बाय।